दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों इस स्पोर्ट्स जीके की वीडियो का पार्ट 4 है। इस वीडियो में भी हम स्पोर्ट्स जीके के 25 क्वेश्चंस करेंगे स्पोर्ट्स के अलग-अलग फील्ड से। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं चारों ऑप्शन बताऊंगा और उसके बाद मैं राइट आंसर बता दूंगा। लेकिन जिस बीच में चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूंगा उस बीच आपको मन में ही गेस कर लेना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। इस तरह से आपको वीडियो देखने में भी इंटरेस्टिंग लगेगी और इंटरेस्टिंग वे में आप स्पोर्ट्स जीके को दोस्तों पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी कैश प्राइज इज गिवन टू द रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के जो विनर होते हैं उन्हें कितना कैश प्राइज दिया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 25 लाख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, 25 लाख। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो कैश प्राइज था वो पहले 7.5 लाख रुपीज था लास्ट ईयर तक, लेकिन इस साल उसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है इसी साल यानी 2020 से। ठीक है, तो अब से 25 लाख रुपीस मिलने लगे हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विनर को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच कैश प्राइज इज गिवन टू द रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड के विनर को कितना कैश प्राइज दिया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 लाख। दोस्तों अर्जुन अवार्ड के विनर को पहले 5 लाख दिए जाते थे, अब उसे इंक्रीज करके 15 लाख कर दिया गया है, ये भी इस ईयर से किया गया है। तो अब अर्जुन अवार्ड के विनर को कितने रुपए दिए जाते हैं, 15 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच कैश प्राइज इज गिवन टू द रेसिपिएंट ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी। क्वेश्चन में पूछा गया है द्रोणाचार्य अवार्ड के जो रेसिपिएंट होते हैं लाइफ टाइम कैटेगरी में उन्हें कितना कैश प्राइज दिया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख या 7 लाख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 लाख। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के रेसिपिएंट्स को भी 15 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज दिया जाता है। लास्ट ईयर तक कितना था, 2019 तक 5 लाख रुपीज़ था, इसे बढ़ाकर 2020 में 15 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच कैश प्राइज इज गिवन टू द रेसिपिएंट ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी। पीछे पूछा गया था लाइफ टाइम कैटेगरी, यहाँ पर पूछा गया है रेगुलर कैटेगरी। ऑप्शंस दिए गए हैं 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख या 7 लाख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 लाख रुपीज़। द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में दोस्तों 10 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं और लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने दिए जाते हैं, 15 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लाइफ टाइम में 15 लाख और रेगुलर में 10 लाख हो गया है। ठीक है, पहले इसमें भी 5 लाख दिए जाते थे, अब इसे 10 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच कैश प्राइज इज गिवन टू द रेसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड के रेसिपिएंट को कितना कैश प्राइज दिया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 लाख। ध्यानचंद अवार्ड के विनर को 10 लाख रुपीस का कैश प्राइज दिया जाता है। पहले कितना था, ये 5 लाख था, अब इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे। ऑप्शंस दिए गए हैं कपिल देव, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर या पुलेला गोपीचंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद। चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के सबसे पहले रेसिपिएंट हैं। 1991-92 में जब इस अवार्ड की स्टार्टिंग हुई तो उस समय सबसे पहले ये अवार्ड विश्वनाथन आनंद को दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है अर्जुन अवार्ड के फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे। ऑप्शंस दिए गए हैं गुरबचन सिंह रंधावा, नंदू नाटेकर, सरबजीत सिंह या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर ये जितने भी प्लेयर्स हैं इन सभी को सबसे पहले 1961 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। और दोस्तों इनसे अलग भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड 1961 में दिया गया था। अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप मेरी 2019 वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सभी प्लेयर्स के नाम बता रखे हैं जिन्हें 1961 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड के फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे। ऑप्शंस दिए गए हैं बालाचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज, ओ एम नंबियार या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
दोस्तों 1985 में जब द्रोणाचार्य अवार्ड की स्टार्टिंग हुई थी उस समय तीन कोचेस को यह अवार्ड दिया गया था जिनके नाम मैंने ऊपर बताए हैं, बालाचंद भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज और ओएम नंबियार। इन तीनों कोचेस को 1985 में सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ ध्यानचंद अवार्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है ध्यानचंद अवार्ड के सबसे पहले रेसिपियंट कौन थे। ऑप्शंस दिए गए हैं शाहूराज बिराजदार, अशोक दीवान, अपर्णा घोष या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों 2002 में जब ध्यानचंद अवार्ड की स्टार्टिंग हुई तो उस समय इन तीनों लोगों को जिनका नाम है शाहूराज बिराजदार, अशोक दीवान और अपर्णा घोष, इन तीनों को ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। ये सबसे पहले रेसिपियंट हैं ध्यानचंद अवार्ड के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी माका ट्रॉफी की फर्स्ट रेसिपियंट है। ऑप्शंस दिए गए हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। दोस्तों 1957 में जब माका ट्रॉफी की स्टार्टिंग हुई उस समय बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले ये ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इन 2009। क्वेश्चन में पूछा गया है 2009 में जब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी उस समय सबसे पहले ये अवार्ड किसे दिया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं टाटा स्टील लिमिटेड, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। 2009 में जब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई उस समय दो ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड सबसे पहले दिया गया। किसे किसे? टाटा स्टील लिमिटेड को और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को। दोनों को ही 2009 में अवार्ड सबसे पहले दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एशियन गेम्स 1951। क्वेश्चन में पूछा गया है 1951 में जो सबसे पहले एशियन गेम्स हुए थे उनकी होस्टिंग किसने की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं न्यू दिल्ली इंडिया, जकार्ता इंडोनेशिया, टोक्यो जापान, मनीला फिलीपींस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली इंडिया। दोस्तों 1951 में जब फर्स्ट एशियन गेम्स हुए तो उसकी होस्टिंग इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली में, क्योंकि सिटी होस्ट करती है इसलिए न्यू दिल्ली नाम आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से टेनिस का वो कौन सा टूर्नामेंट है जो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यहाँ पर दोस्तों टेनिस के जो चार ग्रैंड स्लैम होते हैं उनके नाम दिए गए हैं, इन चारों ग्रैंड स्लैम में से हमें बताना है वो कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो ग्रास पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन या ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विंबलडन। दोस्तों टेनिस के जो चार ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें जो विंबलडन होता है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसके अलावा जो यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये हार्ड सिंथेटिक कोर्ट पर होते हैं, फ्रेंच ओपन होता है क्ले के कोर्ट पर, और जो विंबलडन है वो होता है ग्रास कोर्ट पर। तो यहाँ पर ग्रास कोर्ट की बात की गई है इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विंबलडन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट एनी ओलंपिक गेम्स। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से उस प्लेयर का नाम बताओ जिन्होंने सबसे पहले ओलंपिक गेम्स में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शंस दिए गए हैं मोहम्मद असलम, अभिनव बिंद्रा, मोहम्मद शाहिद या राज्यवर्धन सिंह राठौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। दोस्तों अभिनव बिंद्रा एक शूटर हैं 10 मीटर एयर राइफल के जिन्होंने 2008 समर ओलंपिक्स में इंडिया के लिए सबसे पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। ओलंपिक में ये गोल्ड दोस्तों 1980 के बाद 2008 में पहली बार इंडिया के पास ओलंपिक में गोल्ड आया था, वरना 1980 में जो ओलंपिक में गोल्ड आया था वो आया था हॉकी में, उसके बाद इंडिया पे कोई गोल्ड मेडल नहीं आया था। उसके बाद आया 2008 में जो कि लेकर आए अभिनव बिंद्रा जिनका इवेंट है 10 मीटर एयर राइफल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल फुटबॉल म्यूजियम विच कीप्स फीफा कलेक्शन इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे चार कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक कंट्री के अंदर नेशनल फुटबॉल म्यूजियम है फीफा का जहां पर फुटबॉल के कलेक्शन रखे जाते हैं, वो कौन सी कंट्री है। ऑप्शंस दिए गए हैं इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस
या ब्राज़ील? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड में दोस्तों एक नेशनल फुटबॉल म्यूजियम है जो कि फीफा का है, जहां पर फीफा के कलेक्शन रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म गूगली इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन में पूछा गया है गूगली जो टर्म है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फुटबॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेट। गूगली जो टर्म है वो क्रिकेट गेम से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म लोना इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन में पूछा गया है लोना जो टर्म है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं हॉकी, बैडमिंटन, खो खो या कबड्डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबड्डी। लोना जो टर्म है वो कबड्डी गेम से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी वॉज द वेन्यू फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सी सिटी है जहां पर सबसे पहले साउथ एशियन गेम्स हुए। ऑप्शंस दिए गए हैं न्यू दिल्ली इंडिया, ढाका बांग्लादेश, कोलंबो श्रीलंका, काठमांडू नेपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काठमांडू नेपाल। दोस्तों सबसे पहले साउथ एशियन गेम्स कहाँ हुए? काठमांडू में हुए। कौन से ईयर में हुए थे ये? 1984 में हुए थे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, 1984 में सबसे पहले साउथ एशियन गेम्स हुए जो कि काठमांडू में हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इन 2019 हु बिकेम द सेकेंड इंडियन बॉलर टू टेक अ हैट्रिक इन ICC वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप। पूछा गया है 2019 में जो ICC का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया के वो कौन से दूसरे बॉलर हैं जिन्होंने हैट्रिक बनाई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव या मोहम्मद शमी। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड फीफा 2019 वीमेंस वर्ल्ड कप। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से वो कौन सी कंट्री है जिसने 2019 के फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप होस्ट किए। ऑप्शंस दिए गए हैं रशिया, इंग्लैंड, USA या फ्रांस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस ने 2019 के फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर द इंडियन फुटबॉल टीम मेड इट्स फर्स्ट अपियरेंस एट ओलंपिक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है इंडियन फुटबॉल टीम ने सबसे पहले ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट किया। ऑप्शंस दिए गए हैं 1936, 1956, 1952 या 1948। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1948। 1948 में सबसे पहली बार ओलंपिक्स में इंडियन फुटबॉल टीम ने दोस्तों पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ जापान। क्वेश्चन में पूछा गया है जापान का नेशनल गेम कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं टेनिस, सुमो रेसलिंग, आइस हॉकी या कराटे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमो रेसलिंग। दोस्तों जापान का जो नेशनल गेम है वो सुमो रेसलिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लेयर्स आर देयर इन अ टीम ऑफ खो खो। क्वेश्चन में पूछा गया है खो खो की एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 5, 7, 9 या 11। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9। खो खो की टीम में टोटल 9 प्लेयर्स होते हैं जो कि कोर्ट पर खेलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सा देश है जिसका नेशनल स्पोर्ट्स आर्चरी है। ऑप्शंस दिए गए हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान या श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान। दोस्तों भूटान का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो है आर्चरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 और ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, माइकल फेल्प्स इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। क्वेश्चन पूछा गया है माइकल फेल्प्स कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं स्विमिंग, आइस हॉकी, बिलियर्ड्स या फुटबॉल। दोस्तों माइकल फेल्प्स का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा, अमेरिकन स्विमर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपिक्स में, उन्होंने इतने मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में, उनके नाम ओलंपिक्स में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं। 28 मेडल दोस्तों उन्होंने टोटल जीते हैं अभी तक, जितने पूरे इंडिया के अकेले मेडल हैं 28 अभी तक के रिकॉर्ड में, जब से इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है 1900 से लेकर और 2016 के जो रियो ओलंपिक्स थे यहाँ तक इंडिया के टोटल 28 मेडल्स हैं।
और माइकल फेल्प्स के अकेले ही खुद के ही 28 मेडल्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े प्लेयर हैं, आपको तो नाम पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन से गेम से एसोसिएटेड है माइकल फेल्प्स, स्विमिंग से एसोसिएटेड हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा और भी पढ़िएगा माइकल फेल्प्स के बारे में, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं इनके नाम, वो सब कुछ पढ़िएगा आप, ठीक है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के किसी नई वीडियो में।